बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैंडिडेट, आज एक फीमेल स्टूडेंट जो के एकेडमिक टेस्ट पास करके आई थी, आज उसका इंटरव्यू था, तो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद आपको इंटरव्यू में काफ़ी एतमाद आएगा और आप अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर फील करेंगे। लिंक यूट्यूब इकबाल फोर्सेस एकेडमी, 5/1/2022 को यह इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, इसमें आपने अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कराना है। इंग्लिश में अपना नाम बताना है, अपने वालिद का नाम बताना है, अपने वालिद का पेशा बताना है, इनकम बतानी है, बहन भाई कितने हो, एफएससी कहाँ से किया है, कितने नंबर हैं, मैट्रिक कहाँ से किया है, तो ये जितना है आपके जो एकेडमिक एजुकेशन है इसके बारे में अपने आप को बताओ। आप भाइयों में कितने नंबर पे हो, ये सब जो है ना आपको पहले सवाल के जवाब में बताओगे और फ्रिक्वेंटली घर से ही तैयार करके जाओगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आंसर इसका है डॉक्टर आरिफ रहमान अलवी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये वो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल पूछे गए हैं। आंसर इसका है जनरल कमर जावेद बाजवा। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द चीफ ऑफ एयर फोर्स। आंसर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द चीफ ऑफ नेवी। आंसर एडमिरल अमजद खान नियाजी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। आंसर नेफ्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक और बात है कि जो एरो ट्रेड वाले हैं वो फिजिक्स को या फिर उनका कोई इंटरेस्टेड मजमून है वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपका इंटरेस्टेड मजमून कौन है, कौन सा है, तो उसकी आप डिफिनेशने इक्वेशने वैल्यूज याद करके जाएंगे। स्पेशली लोग आमतौर पर फिजिक्स को प्रेफर करते हैं और जिसका फिजिक्स अगर तैयार नहीं है तो वो मैथ बता देते हैं, जिसका जो इंटरेस्टेड मजमून है वो वहाँ बताए कि मेरा ये, तो उस रिगार्डिंग ही वो पूछते हैं, वो फिर बाकी मजमूनों का नहीं पूछते। तो आप अपने आप को देख लें कि आपका कौन सा इंटरेस्टेड मजमून है या अच्छी तरह तैयार है, तो आप वहाँ अपने आप को बताओ कि मेरा ये इंटरेस्टेड मजमून है, आपसे उसी ही के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। आंसर नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी नेफ्रॉन इज इन किडनी। आंसर मोर देन 1 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ा ऑर्गन। आंसर स्किन। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ा ग्लैंड। आंसर लीवर। अच्छा, ये जो इन्होंने जवाब बताए हैं ये आप भी कंफर्म कर लें, जो इन्होंने जवाब दिए हैं वो इन्होंने मेंशन किए हैं, कंफर्म कर लें कि क्या ये वाकई जवाब सही हैं। अगर सही हैं तो ओके, अगर नहीं तो अपनी इसलाह कर लें। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ा ऑर्गन। आंसर इसका है स्किन। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ा ग्लैंड। आंसर इसका है लीवर। क्वेश्चन नंबर 10, अपनी कोई गलती जिस पर आज तक पछतावा हो। उसमें आपने वाजे तौर पे क्लियर कह देना है कि हम कोई पछतावा नहीं, कोई गलती नहीं जिस पे मैं पछताऊं, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते हैं कि माजी में कोई ऐसी बड़ी गलती, कोई नदानी में कोई जवाब दे दे, तो आपने मेच्योर होकर अपना जवाब देना है कि मैंने कोई गलती नहीं की। क्वेश्चन नंबर 11, 100 में से कितने परसेंट झूठ बोलती हैं। इसका आंसर ये है कि कोशिश तो ये होती है कि झूठ ना बोला जाए, क्योंकि इस ज़मीन पे कोई भी इस दौर में ऐसा नहीं है कि वो 100% सच बोले, लेकिन हत्तुल इम्कान मैक्सिमम कोशिश है कि मैं झूठ ना बोलूं।
कोशिश तो यह है, बाकी बंदा बशर है, गलती हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, पसीने के फायदे। जवाब इसका यह है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालता है और कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एब्रीवेशन ऑफ एफएसई। एफएससी की एब्रीवेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई यू ज्वाइन पीएएफ। पीएफ में क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं? इसका बहुत मुख्तसर जवाब है कि पीएएफ एक मुअज्जिज इदारा है और एक मोतबर रोजी कमाने का जरिया है, जिसमें रिस्पेक्ट भी मिलती है और ऑनर भी मिलता है और अच्छी जॉब तसव्वुर की जाती है। इसीलिए मैं इस जॉब को रिस्पेक्ट और सोर्स ऑफ इनकम, अच्छा हलाल कमाई भी है, इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, आपने एफएससी क्यों की है? जवाब, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपकी मालूमात के लिए शामिल किए गए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल जहीर अहमद बाबर, चीफ ऑफ स्टाफ बैंक ऑफ गवर्नर जनरल बैंक डॉक्टर रजा बाकर, और चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा। इसके अलावा नेम ऑफ गवर्नर याद कर लें, नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर याद कर लें, कैपिटल ऑफ फेमस कंट्री, मशहूर मुल्कों के जो कैपिटल हैं उनको देख लें, एवॉइड रिलीजियस तफरकाबाजी, ये जो जैसे शिया सुन्नी के साथ खाना खा सकता है या सुन्नी शिया के साथ, यस नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहां हम जॉब लेने जा रहे हैं ना कि किसी और इशू में बढ़ रहे हैं। एयरफोर्स में एक ही मेस में खाना खाना होता है, अगर तफरकाबाजी का कोई भी आंसर शामिल होगा तो आपको इंटरव्यू में फेल कर देंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि कोई मजहबी या मुल्की लेवल पे कोई ऐसी बात ना कर जाए कि जिससे आप पे शक किया जा सके। तो आपने न्यूट्रल रहना है, ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है। नो एनी नेगेटिव रिमार्क्स रिगार्डिंग करंट गवर्नमेंट, करंट हुकूमत के बारे में आपने कभी भी नेगेटिव रिमार्क नहीं देने। और इसी तरह शरीयत इस्लाम के बारे में कोई गलत बात नहीं करनी। प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेबर एंड फेमस कंट्री, मशहूर मुल्कों के सदर वजीर आजम, इनके नाम अच्छी तरह याद कर लें। ऑल आंसर सर्च इन गूगल, और इन सब आंसर जितने क्वेश्चन हैं इनके जवाब आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। शुक्रिया।